नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय वर्ष 2001 में स्वीकृत हुई रामगंज मंडी भोपाल रेलवे लाइन परियोजना की तब लागत 425 करोड़ रुपए के आसपास थी, लेकिन अब समय गुजरने के साथ में 23 साल के पश्चात में इस परियोजना की लागत बढ़ते बढ़ते 5125 करोड़ रुपए को पार कर गई है। हालांकि इसमें से आधे से अधिक बजट का कार्य हो चुका है, जिससे राजस्थान के हिस्से के लगभग सारे कार्य पूरे किए जा चुके हैं और राजस्थान सीमा में अकलेरा स्टेशन से लगा के झालावाड़ कोटा तक ट्रेनों का संचालन हो चुका है। वहीं जो घटोली और नयागांव स्टेशन है, इनको अभी ट्रेनों का इंतजार है और जल्दी ही यहाँ ट्रेनों की सुविधा प्राप्त हो सकती है। नयागांव स्टेशन से आगे बढ़ते हुए भोजपुर, देवपुरा और खिलचीपुर स्टेशन का जो सेक्शन है हमारा लगभग 22 किलोमीटर लंबाई का, इसको इस वर्ष के अंत तक पूरा किया जा सकता है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस परियोजना का मध्य प्रदेश का सबसे पहला स्टेशन नया गांव पूरा कुमारा स्टेशन का नज़ारा। यह परियोजना यहां तक आकर कंप्लीट हो चुकी है। कुल 4 सुरंगें राजस्थान राज्य में इस परियोजना के अंतर्गत बनाई गई है और वर्ष 2013 में झालावाड़ तक का जो सेक्शन था वह तैयार हो चुका था। इसके पश्चात इस परियोजना का कार्य कुछ धीमा हुआ। इसके बाद झालरा पाटन, इसके पश्चात में अकलेरा तक का सेक्शन बाद में बनकर तैयार हुआ है और अब तकरीबन 103 किलोमीटर लंबाई का सेक्शन जो है हमारा राजस्थान की तरफ से नया गांव पूरा कुमारा तक का पूरा हो चुका है। वहीं संत हिरदाराम नगर से निषादपुरा का लगभग 9 किलोमीटर लंबाई का सेक्शन भी बनकर तैयार हो चुका है और अब बचा हुआ है हमारा तकरीबन 164 किलोमीटर लंबाई का सेक्शन नया गांव पूरा कुमारा से लगा के संत हिरदाराम नगर तक का। जैसा कि हमने बताया, इस सेक्शन में भोजपुर, देवपुरा, खिलचीपुर, राजगढ़ सिटी, नरसिंहपुरा, ब्यावरा जंक्शन, पीपलहेला, सोनकच्छ, नरसिंहगढ़, जमुनिया गणेश, कुरावर, श्यामपुर, दोराहा, झरखेड़ा, मुंगलिया हाट नए स्टेशन बनाए जाने हैं। हाईवे पर कई जगहों पर क्रॉसिंग बनाने का कार्य चल रहा है। इसके साथ साथ विभिन्न जगहों पर अंडरब्रिज जो ग्रामीण सड़कें हैं उन पर निकालने के लिए ब्रिज बनाए जा रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कुरावर सेक्शन का नज़ारा, श्यामपुर से कुरावर की अपडेट है और यह बरसात के आसपास में हमने बनाई थी और इसकी प्रगति देखकर निराशा होती है कि इस परियोजना का कार्य जब राजस्थान में पूरा हो चुका है तो एमपी में यह क्यों नहीं आगे बढ़ पाया। इसके कारणों की समीक्षा हमने वीडियो में आगे की तरफ की है। बहरहाल यह जो परियोजना है इसको पिछले कुछ बजटों से काफ़ी अच्छा पैसा मिला है, जिसके कारण से इसके कार्यों में जगह जगह पर तेज़ी देखी गई। भू अधिग्रहण के मामलों की वजह से खासा देरी इस परियोजना को हुई। सीहोर जिले में और राजगढ़ जिले में दिक्कतों का सामना राजस्व विभाग और रेलवे को करना पड़ा, लेकिन अब सब तरह की जो परिस्थितियां थी दूर हो चुकी हैं। खिलचीपुर से लगा के श्यामपुर के बीच में ज़्यादातर जगहों पर जहां अर्थवर्क से संबंधित और पुल पुलियाओं से संबंधित गतिविधियां दिखाई देती हैं, कुछ मेजर ब्रिज को हम अपवाद के रूप में छोड़ दें, उन पर कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन वे इस परियोजना का जो टारगेट है उसको प्रभावित कर सकती है। इस बारे में संबंधित एजेंसी से चर्चा कर उक्त कार्यों को रेलवे को शुरू कराना चाहिए, क्योंकि इस परियोजना के बनने से कोटा से भोपाल की दूरी लगभग 200 किलोमीटर से ज़्यादा कम हो जाएगी और एक वैकल्पिक मार्ग रेलवे को भी प्राप्त हो जाएगा, जो आपातकाल के समय रेलवे सहित यात्रियों के लिए भी काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकता है। इसलिए इस मार्ग का पूरा होना, समय से पूरा होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इस परियोजना का कार्य विद्युतीकरण के साथ में किया जा रहा है। खिलचीपुर के आगे राजगढ़ तक का अर्थवर्क से संबंधित कार्य चल रहा है और जल्दी ही फाइनलाइज इसको किया जाएगा। वहीं राजगढ़ से आगे ब्यावरा के बीच में नेवज नदी पर विशालकाय पुल बनाया जा रहा है, जिसकी अपडेट कुछ समय पूर्व हमने आपको दिखाई थी। अभी वह अधूरा चल रहा है और अगले वर्ष वह कार्य पूरा किया जा सकता है। वहीं ब्यावरा से आगे नरसिंहगढ़ कुरावर सेक्शन में अर्थवर्क संबंधित कार्य, पुल पुलिया बनाने संबंधित कार्य चल रहा है, इसकी भी अपडेट हमने आपको पूर्व में दे दी थी। अब बात करते हैं इस परियोजना के बजट के बारे में। तो इस वर्ष अंतरिम बजट में फरवरी में इसको 650 करोड़ रुपए परियोजना में आवंटित किए गए थे, लेकिन इसको कटौती करते हुए मुख्य बजट में उक्त आवंटन को घटाकर 523 करोड़ रुपए कर दिया गया, यानी कि लगभग 127 करोड़ रुपए की कटौती इसके बजट में की गई है। और
परियोजना के कामों में देरी का एक प्रमुख कारण रहा भूमि अधिग्रहण। ब्यावरा से लगा के श्यामपुर के बीच में कई किसानों के द्वारा काफ़ी बाद में भूमि का अपना जो कब्जा था वह छोड़ा। इस वजह से रेलवे को भूमि लेट प्राप्त हुई और लेट कार्य उक्त हिस्से में शुरू हो पाया। वही पार्वती नदी के पुल की बात करें तो उक्त हिस्से में एक बड़ा पुल पार्वती नदी पर बनाया जाना है, जो कि हमारे कुरावर से श्यामपुर स्टेशन के बीच में बनेगा। अभी उसका कार्य बिल्कुल भी शुरू नहीं किया गया है। आप सभी जानते हैं कि एक नदी पर ब्रिज बनाया जाना होता है, जो कि तकरीबन 400-500 मीटर लंबाई का होता है। कई पिलर इसमें बड़े बड़े बनाए जाते हैं। इसको बनने में कम से कम 1.5 से 2 वर्ष का समय लगता है और अभी तक उस ब्रिज का कार्य शुरू नहीं हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि वह कब तक बनकर तैयार होगा। अभी कार्य की शुरुआत होगी, उससे 2 वर्ष हम पकड़कर चलें तो यह जो समय सीमा है हमारी वर्ष 2027 के शुरुआत में पहुंचती दिखाई देती है। अब रेलवे के आंकड़े जो चल रहे हैं सोशल मीडिया सहित अखबारों में भी हमारे 2025 के बारे में उल्लेख हो रहा है, लेकिन कार्य उतना उल्लेखनीय नहीं है कि 2025 में इसको किया जा सके। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पूरा से लगा के खिलचीपुर सेक्शन का नज़ारा। यहाँ पर ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है और कई जगहों पर जो बड़े पुल बनाए जाने थे उसका कार्य अधूरा चल रहा है। भोपाल के पास में जरूर जो एक विशालकाय पुल बनाया जाना था हमारे हाईवे पर, वहाँ पर 2 पुल बनाए जाने हैं, जो कि एक तो बाईपास को पार करते हुए है और एक नेशनल हाईवे जयपुर जबलपुर को पार करते हुए है। दोनों का कार्य प्रगति पे चल रहा है, जिसमें से जो जयपुर जबलपुर हाईवे वाला ब्रिज है उस पर गर्डर लॉन्चिंग जल्दी ही की जाएगी। उसकी स्ट्रक्चर का काम वहाँ पर पूरा कर लिया गया। वहीं जो भोपाल बाईपास पर जो ब्रिज बनाया जाना है उसका कार्य अभी बहुत अधूरा चल रहा है। उसका पूरा होना 1 साल 1.5 साल में संभव हो पाएगा। तो दोस्तों यह इस परियोजना की कुछ थोड़ी सी ज़मीनी जानकारी आप सभी के समक्ष हमने बताई है। और इस परियोजना का महत्वपूर्ण सेक्शन है खिलचीपुर से लगा के नयापुरा वाला, वह लगभग वर्ष के अंत तक पूरा किया जा सकता है। और इसके अलावा कोई भी सेक्शन अभी फ़िलहाल में तो बनकर तैयार होने की हालत में इस वर्ष नहीं है। अगले वर्ष हम जरूर कह सकते हैं सरत हिरदाराम नगर से लगाकर सेक्शन शुरू हो सकता है। यह इस परियोजना की जो धरातल की सच्चाई है हमने आपको हमारे वीडियो के माध्यम से दी है। और ग्राउंड अपडेट केवल हमारे चैनल पर ही आपको समय समय पर विश्लेषण के साथ में बताई जाती है, इसलिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। और भी जानकारी समय आने पर आप सभी के साथ में साझा की जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।